Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhee, Bakshee. In this show, we keep bringing you leading personalities. Each week, we are bringing you new faces. Through them, you understand what's happening around us, what's happening in the society. We also get you a new vision and also new stories through these personalities. A very special guest today, again, on The Quest on Rajya Sabha TV. He's a former minister in Madhya Pradesh, somebody who's a veteran BJP leader and also who's right now for BJP looking at West Bengal. And we know that West Bengal elections are very nearby. So we're going to not only talk to him about issues that are around us regionally, but also nationally. I'm talking right now to Mr. Kailash Vijayvargiya. Welcome to the show, sir. नमस्कार जी. नमस्कार. तो सबसे पहले जो वर्तमान में उसी से हम बात करें, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है. हर बार जब बात होती है तो यही बात होती है कि मिलजुल कर कुछ बातें ऐसी होंगी कि चर्चा चलेगी. इस बार बजट सत्र है तो बहुत महत्वपूर्ण है. फिर ले देकर यही लगता है कि जो इशू हुआ, और खासकर हम सब जानते हैं JNU से उभरा, वो फिर छाया रहेगा. मुझे लगता है कि यदि हमें देश की आज़ादी के बाद के नेतृत्व को हम देखें तो हमेशा देश को सर्वोपरि माना हमारे नेताओं ने, दल को बाद में. इसके बहुत सारे उदाहरण हैं. यदि आपको स्मरण होगा तो पंडित जवाहरलाल जी जब प्रधानमंत्री थे तब विपक्ष बहुत छोटा हुआ करता था, तो राम मनोहर लोहिया जी से बोलते थे कि इनको बोलने दीजिए, लोग बोलने नहीं देते थे. तो विपक्ष है, सम्मान करना चाहिए विपक्ष का. आपको दूसरी घटना और बताना चाहता हूँ. जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, और इस देश का नेतृत्व करने के लिए वो यूनाइटेड नेशन गए. वहाँ उन्होंने भाषण दिया. जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनसे पूछा कि आप वहाँ विपक्ष के नेता हैं और यहाँ आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देश का नेतृत्व कर रहा हूँ, विपक्ष में वहाँ ज़रूर हूँ, पर यहाँ आया हूँ मैं अपनी पार्टी का झंडा छोड़कर देश का झंडा लेकर. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंसेंसस व्यू की हम बात. तो ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है. दुर्भाग्य से अभी पता नहीं क्यों अपरिपक्व नेतृत्व है या क्या कारण है कि लोग देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, पार्टी की चिंता कर रहे हैं, चुनाव की चिंता कर रहे हैं, वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं, देश की चिंता नहीं कर रहे जी. लेकिन जहाँ तक संसद में बात आती है कैलाश जी, तो ये बात आती है कि ठीक है, हम प्रतिपक्ष की एक आवाज़ होती है और उसका काम है आवाज़ उठाना, लेकिन कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो कहा जाता है कि जब आप स्टेट्समैन बनते हैं, आप गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि आप चीज़ों को सुचारू रूप से कैसे चलाएं. देखिए, एक परंपरा होती है. आप देखेंगे कि इस बार भी पार्लियामेंट के अंदर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी से भी चर्चा की. हमेशा चर्चा के माध्यम से ही सदन की कार्रवाई चलती है, सदन के अंदर की चर्चा और सदन के बाहर की चर्चा. जी. बाहर चर्चा करके सदन के अंदर का वातावरण बनाया जाता है, ये हमेशा परंपरा रही है. मैं समझता हूँ इसमें वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मोदी जी हो, चाहे वेंकैया नायडू जी हो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, चाहे अरुण जेटली जी हो, सब ने अपनी अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाई है. उसके बाद भी यदि तय करना है कि हमको संसद नहीं चलने देना, तो कोई भी बहाना हो सकता है. नहीं चलने कह रहे हैं कि बहाना नहीं, लेकिन मुद्दा बड़ा है. कहते हैं जिस तरह से JNU में जो बातें उभरी उसको बहुत बड़े लेवल पर, मेरे ख्याल से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे देखा ही जा रहा है, तो मुद्दा छोटा नहीं माना जा रहा है, बड़ा माना जा रहा है. तो आप JNU के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आप खुद उभरे हैं, छात्र राजनीति को अपने नज़दीक से देखा है, किस तरह से आप अभी इस मुद्दे को देखें? देखिए पूजा जी, पार्लियामेंट होती है, संसद होता है, वह होता है चर्चा का, हंगामा करने का स्थान नहीं होता है. चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, आज भी चर्चा करने को तैयार है. आज समय फिक्स हुआ जी कि आज चर्चा होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से चर्चा नहीं हो रही, हंगामा हो रहा है. अभी कम से कम 6 बार राज्यसभा स्थगित हो गई, लोकसभा में फॉर्चुनेटली आज चर्चा हो रही है. मुझे लगता है कि लोकसभा में चर्चा होगी, पर ये हंगामे का लीड कौन करे, दलित का नेता कौन बने? राहुल गांधी बने, मायावती जी बने, कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी बने? अभी तो सिर्फ दलितों का झंडा लेकर लोग चलने की बात कर रहे हैं. एक महत्वपूर्ण मुद्दा JNU का, राष्ट्रवाद का, जहां खतरनाक नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे, मतलब आप
आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की राजधानी है दिल्ली और वहाँ पर एक विश्वविद्यालय के अंदर कोई नारा लगाए आज़ादी आज़ादी भारत की, जब तक बर्बादी नहीं होगा तब तक जंग जारी रहेगा। मतलब इस प्रकार के नारे लगाने कोई हिम्मत कर सके? क्या लगता है आपको हैंडल दूसरे तरह से किया जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि आपके अंदर का जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसको ज़रूर आप जीवित रखें। तो जब एक छात्र विश्वविद्यालय में के प्रांगण में होता है या पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं उसको राष्ट्र के प्रति एक चेतना भी होती है, तो क्या इस चेतना को लेकर वो आगे बढ़े? बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से लगता है कि ये है कि उसको वो किस तरह से आगे लेकर चले, जैसे हम ओपिनियन की बात करते हैं, चाहे वो वर्तमान संदर्भों पे रखे या स्टूडेंट विंग पॉलिटिकल अलग होते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उसकी चेतना क्या हो, शायद बड़ा मुद्दा ये है, वो किसी भी विश्वविद्यालय में हो रहा हो। विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था भी दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप देश विरोधी बात करें, आप संविधान को नहीं माने, आप इस प्रकार के नारे लगाएं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है, हुई इस कातिल, किसने अफजल गुरु को फांसी दी? सुप्रीम कोर्ट ने। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना चाहते हैं? आखिर आप किधर ले जा रहे हैं और किनका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, हुई इस कातिल, किसने अफजल गुरु को फांसी दी? आपने दी, मैंने दी, मोदी जी ने दी, किसने दी? हमारे यहाँ न्यायपालिका ने दी उनको फांसी जी, और आप उनको चुनौती दे रहे हैं और उसके बाद आप सारे के सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए, देश विरोधी ताकतों के साथ, इस प्रकार के नारों के साथ जी। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सीताराम येचुरी जी हो, चाहे प्रकाश कारंत हो, चाहे कोई भी हो, मैं उन सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके मन। लेकिन इसका जो रिएक्शन देखने में, प्रतिक्रियाएं मिली, वो लगता है कि कहीं जिस तरह का हमें हिंसा भी देखने को मिली, ये भी देखा गया कि जर्नलिस्ट भी जैसे कोर्ट परिसर में थे, तो जो इस तरह का, मैं उस रिएक्शन, उस प्रतिक्रिया की बात करूँ या हैंडल करने की बात करूँ कि क्या इसे हैंडल दूसरे ढंग से किया जा सकता है? अब अगर पटियाला कोर्ट में मारपीट हुई, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके समर्थक नहीं हैं, क्या उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है? ठीक है, पुलिस ने वहाँ पर सुरक्षा करने की कोशिश की, कुछ लोग जंप करके आ गए और एकाध किसी ने लपड़ मार दिया, इस प्रकार की रिएक्शन बड़ी स्वाभाविक है पूजा जी। मतलब राखी, मैं कहता हूँ आपको, राखी जी, मैं कहता हूँ कि यदि मेरे सामने भी कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए तो मैं अपने आप को रोक सकता हूँ क्या? मुझे नहीं मालूम मैं रोक पाऊँ या नहीं पाऊँ, रोक पाऊँ। कोई मुझे गाली दे दे मैं रोक सकता हूँ, कोई मेरी पार्टी को गाली दे दे मैं रोक सकता हूँ, कोई मेरी मातृ संस्था RSS को गाली दे दे रोक सकता हूँ, कोई मेरे को जन्म देने वाली माँ को भी गाली दे दे तो मैं रुक सकता हूँ। लेकिन कहीं कहीं आप मानेंगे कि संयम बरतना जो है, हिंसा का कोई शायद कोई भी उपाय हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, पटियाला की घटना का हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे, हम उसकी निंदा करते हैं, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि इस प्रकार की यदि कोई रिएक्शन होती है तो ये बहुत स्वाभाविक है। इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर उसके लिए आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएं, मैं समझता हूं कि सिर्फ ये हल्की प्रकार की राजनीति का एक हिस्सा है। इसी को जोड़ दूंगी क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में भी अब आप कार्यभार वहां पर देख रहे हैं और देखेंगे आगे आने वाले दिन में, और फिर जादवपुर हमें विश्वविद्यालय में देखने को मिला। कुल मिलाकर ये जो हम विश्वविद्यालयों में और छात्रों में इस तरह की घटनाएं, जो पहले भी कहा गया कि रोहित के विषय में, तो ये चीज़ें जो हो रही, आप क्या कहेंगे एक नेता, एक जिम्मेदार नेता के तौर पर, कि ये जो कुछ हो रहा है उसे कैसे देखना पड़ेगा हमें? देखिए, एक बहुत बड़ी कॉन्स्परेंसी इस देश के अंदर चल रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं इन बच्चों को दोष देना नहीं चाहता जिन लोगों ने नारे लगाए, मैं उन प्रोफेसर्स जो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर संकेत करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप पढ़ाएं, देशभक्ति की बात पढ़ाएं, कुछ अगर समाज के अंदर गलत हो रहा उसके लिए विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं सचेत करें, पर देश विरोधी ताकतों के साथ यदि आप विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये तो आप अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। मैं उन प्रोफेसरों की तरफ भी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कम से कम ये तो कच्ची उम्र के बच्चे हैं, अभी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को आप जैसा पढ़ाएंगे वैसा वो बोलने लगेंगे, जैसा समझाएंगे वैसा बोलने लगेंगे। JNU कहीं खतरनाक हाथों में तो नहीं जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है, जहाँ पर इतने खतरनाक नारे लगे कि भारत की बर्बादी तक, भारत की बर्बादी तक कोई अगर नारा लगाए हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? और इस प्रकार की अगर शिक्षा उस विश्वविद्यालय में दी जा रही है तो हमें सोचना चाहिए कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की देश को आवश्यकता है क्या।
पे इन व्यक्ति विशेष को और इस पे भी थोड़ा सा ध्यान लूंगी, उसके बाद हम और राजनीतिक बातें करेंगे कि जिस तरह से कन्हैया एक पे केंद्र बिंदु बना और उसके बाद कन्हैया के साथ जो कुछ हुआ, आज पुलिस से भी बात हो रही है तो उनकी भी बातें समझ में आती है कि शायद क्या ये कुछ कदम जो उठाए गए बहुत जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैनिक में कुछ कदम ऐसे उठाए गए। मेरा ख्याल है कि कदम उठाते हैं तो रिएक्शन होती है, नहीं उठाते हैं तो रिएक्शन होती है। कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अफजल गुरु दो दिन तक कॉलेज में रहे, भाषण देते रहे, पुलिस नहीं गई तो पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। आखिर लोग चाहते क्या हैं ये तो बताएं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं पूजा जी कि आपने प्रश्न किया, किस संदर्भ में पूछा? भाई आप गिरफ्तार भी नहीं करें और गिरफ्तार करें तो आपत्ति, नहीं करें तो आपत्ति, तो आखिर क्या करें? तो कम से कम इस प्रकार की बात हो रही है, कोई मिलजुल कर बात करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार की मानसिकता जो देश विरोधी ताकतों को संरक्षण प्रदान करें, वहाँ मिलजुल कर बात करने के लिए वहाँ तो पनिश करना चाहिए और हमारे कानून के अंदर ये प्रावधान है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। चलिए, ये जो है आप ये जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात आपने कही और आपने कहा है, और मेरे ख्याल से ये जो आप कह रहे हैं वो आप कहना चाहते हैं, लेकिन इसी पर हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और आगे बढ़ाएंगे इस बातचीत को। वी आर राइट नाउ टॉकिंग टू मिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, वी आर गोइंग फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक आउट हियर, बट डोंट गो अवे, मेनी मेनी इंटरेस्टिंग एंड पर्टिनेंट इश्यूज स्टिल अवेटिंग आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे। Welcome back to the show. You're watching The Quest here on Rajya Sabha TV, and I'm right now in conversation with Mr. Kailash Vijayvargiya. Very, very important question still that I need to ask him. Agar aap ab Pashchim Bengal ki bhi baat karein, chunauti bahut badi hai aapke liye wahan par. Ek to ki kis tarah se apne base ko aage wahan badhayenge, aur dusra ye ki kahin na kahin hum dekh rahe hain ki jo left kahin piche chupi hui thi, is baar puri koshish kar rahi ki aage kisi bhi tarah se apni jagah banaye. Abhi Rakhee ji, बंगाल के अंदर आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर राजनीतिक परिस्थितियों में एकदम काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। पहले यह था कि बीजेपी कहीं दौड़ में नहीं है, अब जैसे ही बीजेपी दौड़ में आई, हमारे प्रधानमंत्री जी गए, 4 हमारे नेता गए, बड़ी सभा हुई हर जिले के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, लाठीचार्ज हुआ, 10 जिलों के अंदर कम से कम लाठीचार्ज हुआ, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, तो एकदम लोगों को लगा रही बीजेपी कहाँ से आ गई एकदम इतने धमाकेदार तरीके से, बड़ी बड़ी सभाएं हुई 25-25, 50-50 हज़ार लोगों की। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट को लगा कि ऐसा नहीं हो कि मोदी जी के नेतृत्व में ये टीम कहीं हमें, दोनों ने मिलना जुलना चालू कर दिया, दोनों ने बैठना चालू कर दिया, दोनों समझौता कर रहे हैं। अब देखिए, एक दूसरे के लिए नागनाथ और सापनाथ रहे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, पर आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नागनाथ और सापनाथ दोनों पास पास आ रहे हैं। अब देखिए तो सही, वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस और कम्युनिस्ट कहीं पर भी पास पास नहीं है। हमेशा बंगाल में एक दूसरे के सामने रहे, केरल में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पर बंगाल में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए दोनों पास पास आ रहे हैं। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी जीत है कि हमारे सक्रिय होने से, हमारी वहाँ पर प्रेजेंस होने से आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों पास पास आ रहे हैं। तो हम लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह से जगह अपनी बनाएंगे, अगर चेहरे की बात हो जाती है तो क्या इतनी लीडरशिप आपकी वहाँ पर स्ट्रांग है? दूसरा कि क्या चेहरे जो हैं वहाँ बड़े हैं? ठीक है, हम जानते हैं आपके एक मंत्री भी वहाँ से हैं बाबुल जी, लेकिन उसके अलावा क्या हम देख पा रहे हैं कि ऐसे वहाँ पर हमें नेता मजबूत हैं जो वहाँ पर लोकल लेवल पर मजबूत नजर आए, या पार्टी का जो संगठन है वो सक्रिय होकर, हम जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं इस समय वर्तमान सरकार के सामने वहाँ बहुत सारी, अब अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो पीछे हमें देखने में भी मिला है, बट क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, क्या ऐसी पार्टी की ताकत है जिसको लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, बंगाल में बहुत सारे इशू, एक सबसे बड़ा चिटफंड का इशू, कम से कम 17 लाख लोग उससे प्रभावित हैं, 17 लाख लोग, और वो सारे के सारे TMC के लोगों द्वारा सुरक्षित लोग हैं। CBI जांच कर रही है इसलिए उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि CBI की जांच निष्पक्ष जांच होती है। पर इसके अलावा सबसे खतरनाक काम जो हो रहा है वहाँ पर सीमावर्ती जिलों के अंदर, जिस तरीके से घुसपैठियों को लाकर मतदाता बनाया जा रहा है, और वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं एक TV चैनल के सीनियर पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राहुल कंवर जी को, कि जब मैंने उनसे कहा कि आप जाकर देखिए, तो जो मैंने कहा था उससे 10 गुना ज़्यादा उनको मिला। उन्होंने जाके देखा कि अफीम की खेती हो रही, उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पर बैंक, जिस होटल में रुके थे
उस होटल के वेटर से पूछा कि हमें नकली नोट ला सकते हो, तो उसने कह दिया हाँ मैं ला सकता हूँ। उसने खट से नकली नोट के एजेंट को भी सामने ला के खड़ा कर दिया। वहाँ पर हथियार आपको जो चाहिए, AK-47, ये सब उन्होंने अपने TV पर दिखाया, चैनल पर दिखाया। ISI के एजेंट वहाँ से आ रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पश्चिमी बंगाल के कारण है, और वह सरकार उन सब लोगों को वोट बैंक के कारण संरक्षण दे रही है। तो एक बहुत बड़ा खतरा पश्चिमी बंगाल के अंदर पैदा हो रहा है कि लेकिन आज तक जिस तरह के चुनावों में जो स्थिति देखने को मिली, क्या अभी भी ये बात है कि एक आउटसाइडर है, एक पार्टी जो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है? आउटसाइडर कैसे हुई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का नाम सुना है आपने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत श्रद्धेय नेता रहे हैं जी। वो वहाँ के हैं, उन्होंने भारतीय जनसंघ को जन्म दिया है, वो पहले अध्यक्ष रहे हैं। इस देश के अंदर देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहला आंदोलन यदि किसी के नेतृत्व में हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे नारा दिया था। जेल में बंद हुए थे, वहाँ उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आप उसे बाहर की पार्टी कह रहे हैं? वास्तव में तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल की ही पार्टी है, ये तो बात दूसरी है कि हम वहाँ अपने पैर जरा ठीक तरीके से जमा नहीं पाए जी। तो आगे लेकिन अब जमाने के लिए, मतलब चूंकि आपने पीड़ा उठाया, आपके नेतृत्व में बहुत सारे काम होंगे, तो काफ़ी आपको लगता है कि मजबूती से आगे बढ़ता? 100% हम वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में पहुँच गए। आने वाले 2-3 महीने में आप देखिएगा, आप खुद मुझसे प्रश्न पूछेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे आप अगली जी बार। अगर हाँ जी, वो प्रश्न जरूर हमारे सामने रहेगा जरूर, और बड़ा प्रश्न है। अगर हम पंजाब की भी बात कर लें और जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं उन पर बात चर्चा हो जाए, पंजाब में अगर आप देखें तो स्थिति वहाँ पर मुश्किल होगी। हम जानते हैं कि अकाली दल, ठीक है कि उन्होंने एक बार दो बार जगह बनाई अपनी, लेकिन जिस तरह के मुद्दे हैं सामने, अब मुश्किलें आपके सामने ये आएंगी कि एक तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव कर रही है, और दूसरा आम आदमी पार्टी की जो शक्ति देखने में नज़र आ रही है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। मैं अकाली दल के बारे में इतना ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा कि अकाली दल पंजाब के अंदर ऐसा एक मात्र दल है जो वहाँ की लोकल सोसाइटी का दल है, अकाली दल। सॉरी। और उनका अपना काम ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा है। हो सकता है कि हमें सरसरी नज़र से देखने के बाद एक लगातार वो जीतते आए हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती हो, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। उसके बावजूद भी जिस तरीके के डेवलपमेंट के काम प्रदेश की सरकार ने वहाँ पर किए हैं, 100% वहाँ पर भी सरकार फिर से अकाली की बनेगी। चलिए हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि वहाँ पर अभी भी दुविधा बनी हुई है कि हम सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी हैं, कुर्सी जो है शायद इंतजार कर रही है, लेकिन आखिर फिर से सरकार दोनों साथ आ क्यों नहीं पा रहे हैं जो अभी तक साथ थे, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है कि मुफ्ती साहब के समय में जिन बातों के आधार पर समझौता हुआ था, यदि वही शर्तें रही तो अभी सरकार बन सकती है, पर पता नहीं क्यों बहुत सोच विचार कर रही हैं वो। अब जिस दिन भी फाइनल डिसीजन होगा आपके सामने आ जाएगा। राम माधव जी उसको देख रहे हैं जी। पर मुझे लगता है कि अतिशीघ्र उसके परिणाम ठीक हो जाएंगे जी। मध्य प्रदेश की ज़रूर और बात कर लें कि वहाँ पर स्थिति अब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि तरह तरह के मुद्दे, अब मैं उस पर पीछे नहीं जाऊँगी क्योंकि हालांकि बड़ा मुद्दा वो भी रहा व्यापम का, लेकिन अब वहाँ पर किस तरह से काम आगे चल रहा है, और किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से अब पूरे नेशनली भी कहीं ना कहीं अपने आप को देख रही है कि हम हर जगह रिवाइव करेंगे, वहाँ भी कोशिशें जारी हैं। अभी एक चुनाव हुए मैहर में, उपचुनाव। मैहर सीट हम आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार जीते थे और वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही। अभी वहाँ उपचुनाव हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया, 28,000 वोट से जीते, 4-5 दिन पहले जी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि हमारे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वहाँ बहुत लोकप्रिय, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम किया है वह मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कांग्रेस का कोई पैर पसारने की जगह बची है। वहाँ तो एकदम एक चीज़ जो आपसे इस वक्त मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब राष्ट्रीय तौर पर बहुत अच्छी भूमिका आप निभा रहे हैं इस वक्त, और पता नहीं अब मध्य प्रदेश में कभी हमें फिर से ऐसा मौका मिलेगा कि हम शायद वहाँ भी फिर से कुछ देखेंगे, वो बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन ये पूछना चाहती थी कि जो BJP विकास और जब सरकार बनी विकास के रास्ते पर आगे आने की बात करी, हमें समय समय पर चाहे वो असहिष्णुता की बात आ जाए या पहले घर वापसी की बात आई थी या अब जिस तरह से कुछ आई थी कि जो आर्टिस्ट कुछ बयान दे रहे हैं, जिसमें कुछ आपने भी अपने बयान दिए थे,
तो कहाँ हम देखें कि कौन सा रास्ता सही लेकर चल रहे हैं आगे? देखिए, हमने हमेशा विकास की बात की है, पर हमारी विचारधारा से हमने कभी समझौता नहीं किया। और मैं सच कहता हूँ कि आप जिसको पूछना चाहती असहिष्णुता की बात, कोई देश में कहता है कि भारत में असहिष्णुता है, ऐसा लगता है कि भारत माता को गाली दे रहा है। इस देश जैसा सहिष्णु देश तो कहीं है ही नहीं। अगर यह देश में असहिष्णुता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि कहाँ सीरिया में सहिष्णुता है, बांग्लादेश में सहिष्णुता है, पाकिस्तान में सहिष्णुता, कहाँ पर सहिष्णुता है? इससे बड़ा सहिष्णु देश कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। और हमारे देश के अंदर जो हिंदू परंपरा है, वह सर्वधर्म संभाव की है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कभी दूसरे धर्म संदेश क्यों नहीं जा पा रहा है? आपको क्या लगता है ये संदेश? मेरा ख्याल है कि संदेश जाता है, पर कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी को बदनाम करने के लिए लोग इस प्रकार के आरोप गढ़ते रहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कभी उसकी चिंता भी नहीं की। क्या समाज में आपको लगता है आपने जिस सद्भाव की बात की उसको आगे ले कर आप जा पा रहे हैं? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में पीछे कुछ देखा, इस तरह की घटनाएं हुई थी, और इस तरह की जो भी जिसको कहते हैं डिवाइसिव स्टेप्स जो हैं जो सामने देखने को मिलते हैं, तब लगता है कि हम जरूर बहुत गर्व है, लेकिन भारत की जो अखंडता और इसका जो पूरा एक व्यक्तित्व है हमारी माता का, वो फिर उसको लेकर आगे कहाँ जा पा रहे हैं? जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, तो ये संदेश क्यों नहीं ज़्यादा आगे जाए कि नहीं, विकास जो है उसको सबको लेकर आगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की जो बात हो रही है वो आगे बढ़े? मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर गुजरात के अंदर आरोप लगा कि वो हिंदूवादी लीडर है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण में एक बात कही थी कि हम मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, वहाँ के बच्चे एक हाथ में लैपटॉप रखें, एक हाथ में कुरान रखें और आगे बढ़े, हम देना चाहते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जब हम मदरसों की शिक्षा भी वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, वे दुनिया को देखें, दुनिया को समझें, दुनिया के साथ बराबरी करें, दुनिया में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ लगाएं। ये संदेश था प्रधानमंत्री जी का, और ये हर वर्ग के लिए किया उन्होंने। मैं एक वर्ग आप बता दीजिए जिसके लिए सरकार ने काम नहीं किया हो। महिलाओं को उठाने का काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया। कोई आरोप लगा सकता है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर या इस सरकार के ऊपर कि आपने इस वर्ग को ध्यान नहीं दिया? पर प्रधानमंत्री जी और बाहर भी जा रहे हैं विदेश में, देश में भी बहुत सारा काम है। फिर ऐसा उन्होंने भी कहा, क्योंकि हाल में एक बयान आया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। क्यों ऐसी बात लग रही है कि वर्ग अलग अलग स्वर जो हैं उभर के आ रहे हैं? क्यों हम जो इस एकजुटता जिस पर हमें गर्व है उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, आज़ादी के बाद मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को इसी ताकत के रूप में खड़ा किया है कि आज हमारे देश की दुनिया में पहचान अलग हो गई है। एक समय था कि भारत किस महाशक्ति के साथ खड़ा है, दो महाशक्तियां हुआ करती थी उस वक्त, रशिया या अमेरिका। तो अमेरिका के साथ खड़ा है, रशिया के साथ खड़ा है। आज लोग चर्चा ही करते हैं भारत के साथ कौन खड़ा है। तो अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है, रशिया भी भारत के साथ खड़ा है, चाइना भी कमोबेश आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है। भले अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है चाइना, पर खुले रूप से भारत का समर्थन कर रहा है। यूरोप के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। भारत एक अपने आप में एक ताकत बनकर खड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो दुनिया में फैले हुए हैं, जो भारत को इस ताकत के रूप में देखना नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के JNU जैसी संस्थाओं के अंदर अपने लोगों को फीड करके उनके माध्यम से इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक बहुत खतरनाक सीन है ये जी। आपने बड़ी बात कही है, JNU जैसी स्थिति की आप बात करें, लेकिन उसको बहुत छोटे छोटे सवाल और छोटे जवाब भी शायद। बजट सत्र है तो क्या उम्मीद की जाए, किस तरह का बजट होगा? अच्छा बजट होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने सब वर्ग से बात करने को कहा था, हर सांसद से अपने क्षेत्र में जाकर बजट कैसा होना चाहिए इसके बारे में पूछा, और मुझे कहते हुए गर्व है कि पार्टी ने जवाबदारी मुझे दी थी कि सब सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में
जाकर उन लोगों से चर्चा करें कि आपको कैसा बजट चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए। लोगों ने सुझाव दिए, उस सुझाव को हर वर्ग पर हर स्तर पर अध्ययन किया गया। मुझे लगता है कि ये बजट काफ़ी अच्छा बजट होना चाहिए। क्या सोशल सेक्टर के लोगों को कुछ खुशी होगी? पिछली बार निराशा हुई थी कि भाई कम पैसा दिया गया उधर। अभी इस बारे में तो मैं अभी कुछ कहने अभी नहीं कह सकते। आतंकवाद की कुछ बात हो रही थी, तो आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, अगर कुछ जल्दी में बताना चाहें। मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से बहुत सकारात्मक कोशिश हो रही है और पाकिस्तान के नेतृत्व के द्वारा भी सकारात्मक पोजिशन हो रही है। बाकी पाकिस्तान की जो स्थिति है, हमारे यहाँ एक ही नेता है, एक ही प्रधानमंत्री, सत्ता का केंद्र एक जगह है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान में सत्ता के केंद्र दो जगह है, एक पॉलिटिकल है, एक कहीं और से भी केंद्रित होता है। इसलिए वहाँ के राजनेता लोग तो चाहते हैं कि संघर्ष नहीं हो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, पर एक पावर सेंटर और है जो कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण में रही जी, और वहाँ पर शायद उसको एड्रेस करने की बात होगी। बस चलते चलते आपके कार्यक्रम बिल्कुल खत्म हो रहा है। हम क्वेस्ट की जब बात करते हैं तो आपकी जर्नी की बात करते हैं। कैलाश जी, हमने आपको मंत्री के रूप में देखा, हमने बहुत सारे पोर्टफोलियो संभालते देखा है, हमने आपकी अपनी जर्नी भी देखी है जहाँ आप नेता के तौर पर उभरे और आज तक आपका अनुभव जो आगे आ रहा है, तो अब आप कैसे देखते हैं इसको पूरा, एक अपनी जर्नी को? मेरे लिए यहाँ काम करना संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में बहुत ही अजूबा है, इसलिए कि एक राज्य में काम करना और एक देश के लिए काम करना। राज्य में काम करते हैं तो आप एक कुएं के मेंढक की तरफ रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अखबार पढ़ते हैं तो वहीं का लोकल अखबार पढ़ लेते हैं, वहीं के लोकल चैनल देख लेते हैं, पर जब आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो आप सब देखते हैं, देशी चैनल भी देखते हैं, बड़े से बड़ा टीवी देखते हैं, हिंदी भी देखते हैं, अंग्रेजी भी देखते हैं, फिर कभी कभी विदेशी चैनल्स भी देखते हैं, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो एकदम आपका सोचने का, समझने का नज़रिया एकदम बदल जाता है। तो वहाँ एक कुआ है और यहाँ एक समुद्र है जहाँ की कोई सीमा नहीं है, तो एक दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आपको, आप अपने आप को इस तरह से देखना चाहेंगे या आप कमान संभालना चाहेंगे जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं? मैंने कभी अपने बारे में कोई सोचा नहीं, कभी भी। पार्टी जो काम दे वहाँ ईमानदारी से करो, मेहनत करके करो, लगन से करो, पार्टी को परिणाम दो कि हमने, आपने जो जवाबदारी दी है उसका परिणाम ये है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे राज्यसभा टीवी पर बात करने के लिए, और आगे आपका सफर जो है वो चलता रहे और आपके अनुभवों से बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंड दैट वाज मिस्टर कैलाश विजयवर्गीय टॉकिंग टू अस ऑन रेंज ऑफ इश्यूज, एंड ही टॉक्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, ऑफ कोर्स आल्सो सम ऑफ द रीजनल इश्यूज दैट वी एड्रेस्ड हियर ऑन द क्वेस्ट ऑन राज्यसभा टीवी। प्लीज कीप वॉचिंग क्वेस्ट ऑन राज्यसभा टीवी। वी ऑल्सो वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर एडिशन। नमस्कार एंड बाय बाय।